नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिछारिया। आज हम बात करेंगे इतनी गर्मी में प्रेग्नेंट पेशेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अपनानी चाहिए जिससे बच्चे को किसी भी तरह से हार्म ना हो, जिससे वो तरह तरह के इन्फेक्शंस में ना फंस पाए। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ गर्मी में जो सबको पता है और सबको मालूम भी है वो ये है कि हाइड्रेटेड रहे, वेल हाइड्रेटेड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। अब क्या होता है कि कई बार हम पानी या लिक्विड्स इतनी मात्रा में ले लेते हैं कि हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, जबकि प्रेगनेंसी में इन बैलेंस डाइट लेना या प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बच्चे के सेहत के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो कोशिश करें कि जो आप लिक्विड्स ले रहे हैं उनमें शुगर का कंटेंट ना हो, शेक्स हो, और वो जब आप पीते हैं तो उससे आपको केवल कैलोरीज ना मिले, न्यूट्रिशन भी मिले। तो वो कैसे कर सकते हैं? आम पना इसका एक सबसे अच्छा विकल्प है जो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। दूसरा छाछ, जो बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, डाइजेस्टिव भी रहता है और जो हाइड्रेशन भी आपका करेगा। तो दूसरा विकल्प हो गया छाछ या लस्सी, और तीसरा विकल्प हो गया मैंगो का जो अपन शेक बनाते हैं वो। पर मैंगो शेक के साथ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हो सके तो उसमें शुगर का कंटेंट कम रखें, सेकेंडली उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें ताकि एक प्रोटीन भी उसमें मिल सके आपको, और मैंगो के कारण विटामिन ए और विटामिन सी भी मिल सके। एक सबसे बड़ी धारणा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती कि आम नहीं खाना चाहिए क्योंकि आम गर्म करता है। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में आप लेंगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, चाहे वो आम हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो याद रखिए कि आम या मैंगो शेक का सेवन ज़रूर करें, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। अब ये लिमिटेड अमाउंट क्या है? लिमिटेड अमाउंट है 200 ml या 150 ml। अगर आप इतना ही लेते हैं दिन भर में तो चल जाएगा। अगर आप आम के पीसेस खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मीडियम साइज़ का आम पूरे दिन में खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा खाएंगे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करें कि इन गर्मी के दिनों में आप वेल हाइड्रेटेड रहें। दूसरा, बासी खाना खाने से बचें, कटे हुए फल बहुत देर तक रखे हुए ना खाएं ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना डेवलप हो। अगर आप दही खाने के आदी हैं तो ताज़ा जमा हुआ दही खाएं, पुराना या बासी दही ना खाएं। अगर आप ये सारी प्रिकॉशन रखते हैं तो आपको ना तो फूड पॉइजनिंग होगी ना ही किसी तरह का इन्फेक्शन आप कैच कर पाएंगे। सो बी कॉशियस ड्यूरिंग द समर। ओके, बाय, थैंक यू।